मैं मौजूद हूं वेस्ट दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पे, जो कि अपने परिवार के साथ मतदान के लिए यहां से निकल रहे हैं। सबसे पहले उनसे ही बातचीत करते हैं। सर, अग्नि परीक्षा है एक तरह से भाजपा के लिए, क्या कहेंगे? नहीं, मगर दिल्ली के लोगों का इस बार मूड बहुत अच्छा है और सभी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री से बहुत परेशान हैं, क्योंकि आज तक चाहे गांव हो, कॉलोनी हो, शहर हो, सबके घरों में गंदा पानी आ रहा है, सबके घरों में सीवर की बदबू आती है। केजरीवाल जी ने अभी तक जो भी अपने वायदे किए थे उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जो उनकी गारंटी वो देते हैं वो सारी एकदम झूठी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खाकर और वो झूठ बोल सकता है तो वो उसकी गारंटी के ऊपर में कौन विश्वास करेगा। दिल्ली के लोगों का मूड अच्छा है और सभी चाहते हैं कि मोदी जी की पार्टी को ही वोट दें। हमने कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछा कि आपने 8 साल में क्या किया, कोई एक काम तो बता दीजिए, तो वो कोई एक काम भी नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। इसलिए दिल्ली के लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और वो केवल उनको हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत बोलना आता है। दिल्ली के लोगों के लिए आज इतनी खराब हवा है, खराब पानी है, आज भी बिजली का बिल आ रहा है, तो कौन सा वायदा उन्होंने पूरा किया? पूरी ताकत आप लोगों ने झोंक दी एक एमसीडीए कैंपेन में, पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि इस बार दिल्ली के निगम चुनाव जो है इसमें कांटे की टक्कर है, एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं इतने सारे नेता मैदान में उतरे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि दिल्ली की जनता अच्छा फैसला करेगी, सोच समझ के करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी 190 से 210 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 190 से 210 सीट, और महिलाओं का वोट भी चूंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वक्त हमारे साथ सांसद प्रवेश वर्मा की धर्मपत्नी भी मौजूद है, क्या कहेंगी? महिलाओं का वोट जो है इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इनके कहने से वोट करेंगी या अपनी इच्छा से? नहीं, अपनी इच्छा से करेंगे, बिल्कुल स्वतंत्र हूँ मैं अपना वोट देने के लिए, और देना तो उसी पार्टी को है जिसने वाकई महिलाओं के लिए किया है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। और केजरीवाल ने महिलाओं के लिए क्या किया ये सब लोगों से छुपा नहीं है। किस तरीके से जब कोविड की लहर थी, जब परेशान थी जनता दिल्ली की, तब यहाँ के मुख्यमंत्री बैठ के दारू की पॉलिसी बना रहे थे जिससे कि घर खराब होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने महिलाओं के लिए ये क्या किया, पानी के लिए कितनी महिलाएं परेशान हो रही हैं, आज भी टैंकरों के लिए लाइन में खड़े होना, गंदा पानी आना, तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की महिलाएं अब और भी ज्यादा उनके झलावे में आएंगी और सही पार्टी को ही वोट देंगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सांसद प्रवेश वर्मा अपने परिवार के साथ अपने संसदीय क्षेत्र वेस्ट दिल्ली की तरफ अब यहां से बढ़ने वाले हैं और मतदान करेंगे, और हम जाकर उस क्षेत्र में भी देखेंगे जहां पर वो मतदान करेंगे कि इस बार जनता का मूड वहां पर क्या है, और आज जब मतदान के बाद जनता बाहर निकलेगी तो वह किस तरीके से वोट करती है, किन मुद्दों पर वोट करती है।